thenewsexpress.com. चिंता की आवाज। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सिंगरौली ने चारों तरफ अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी अलर्ट के मद्देनजर आज शुक्रवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। देखा जा सकता है कि बाजारों में एक भी आदमी देखने को नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन का निर्देश है कि मंगलवार और शुक्रवार सिर्फ दवाई की और दूध की दुकान खुलेंगी। हमारे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि दवाई की दुकान बगल में दिखाने का कोशिश करें। देखा जा सकता है कि चारों तरफ दुकानें बंद हैं और लोग पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन का और मेरा स्वयं का लोगों से अनुरोध है कि लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहें और खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रहें। हम आपको दिखा रहे हैं जयंत के शंकर मार्केट का दृश्य, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। देख सकते हैं हमेशा भीड़ भाड़ रहने वाला जगह, यहां एक भी आदमी नहीं। इसी तरह जयंत के गुरुद्वारा में देखा जा सकता है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दवा लेते हुए लोग। उसके बाद देखिए दूर दूर तक कोई नहीं। यह है चर्च रोड जयपुर गांव का, यह है गुड्डी चुआ सेक्टर बी का दृश्य, जहां देखा जा सकता है एटीएम में कुछ लोग हैं जो पैसा निकालने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूर दूर खड़े हैं। कॉलोनियों का भी दृश्य देखा जा सकता है, कोई नहीं है। यह है इंदिरा मार्केट CWS का दृश्य। अभी आपको ले चलते हैं, यह है मेन रोड बहन शक्ति नगर मुख्य मार्ग बस स्टैंड, जहां पर कोई। यह है जनता सीमावर्ती चेक पोस्ट, जहां पर चेक करके गाड़ियों को आने दिया जा रहा है।